उम्र के लिहाज से 50 के पार पहुंच चुका एक व्यक्ति तिब्बत में कैलाश पर्वत के मुहाने पर उतरता है। हिंदू धर्म के हिसाब से इस जगह को शिव भगवान का निवास स्थान कहा जाता है। शिव की नगरी में पहुंचकर उस व्यक्ति ने सर झुकाया और मानसरोवर झील में डुबकी भी लगाई। लेकिन ये व्यक्ति उन बाकी लोगों जैसा नहीं था जो आज तक मानसरोवर तक आए थे। इस व्यक्ति ने अभी अभी तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों को जीत कर उसे उत्तर भारत के एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा बना डाला था। ये कहानी है जनरल जोरावर सिंह कहलोरिया की, वो व्यक्ति जिसे पूर्व का नेपोलियन नाम दिया गया, वो व्यक्ति जिसने भारत की सीमाओं का चीन की सरहदों तक विस्तार करने का लक्ष्य चुना और इसमें वो लगभग सफल भी हो गया था। चाहे तिब्बत और शिनजियांग प्रोविंस से लगता भारत का बॉर्डर हो, या फिर अफगानिस्तान का वाखन गलियारा, या फिर हो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा इलाका, ये सब जनरल जोरावर सिंह की ही विरासत है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा ऐतिहासिक किस्से कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। तारीख में आज हम आपको सुनाएंगे कहानी डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलोरिया की। जोरावर सिंह की जिंदगी का शुरुआती हिस्सा सिर्फ लोक कथाओं से पता चलता है। माना जाता है उनकी पैदाइश 1784 में थी। हिमाचल में कांगड़ा जिले के पास एक गांव है अंसारा। अंसारा कहलूर नाम की एक रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसी के चलते जोरावर जोरावर सिंह कहलूरिया के नाम से जाने गए। 18वीं सदी में ये इलाका कई छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था जिनके शासक पहाड़ी राजा के नाम से जाने जाते थे। कहानी कहती है कि परिवार में जमीन के चक्कर में हुई लड़ाई के चलते जोरावर ने गाँव छोड़ दिया और वो रोजगार की तलाश में हरिद्वार चले गए। हरिद्वार में उनकी मुलाकात हुई राणा जसवंत सिंह से। जसवंत सिंह जम्मू कश्मीर में एक इलाके के जमींदार थे। 21वीं सदी में ये इलाका किश्तवाड़ जिले के नाम से जाना जाता था। जोरावर सिंह राणा जसवंत सिंह के साथ किश्तवाड़ चले गए। यहाँ उन्होंने योद्धा की ट्रेनिंग ली, तलवार और तीर कमान चलाना सीखा। ये सभी विद्याएं जल्द ही उनके बहुत काम आने वाली थी। साल 1800 आते आते महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों की अलग अलग मिसलों को एक कर सिख साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उन्हें योद्धाओं की जरूरत थी और ऐसे ही एक योद्धा थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने पहले रणजीत सिंह की सेना में नौकरी की और बाद में वो कांगड़ा के राजा संसार चंद की माथत में चले गए। साल 1817 में जोरावर सिंह की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। उस साल उन्हें जम्मू के डोगरा सरदार मियाँ किशोर सिंह जामवाल की सेवा में जाने का मौका मिला। जम्मू सिख साम्राज्य के अंदर आता था। साल 1808 में महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू पर जीत हासिल कर उसे अपना वसाल स्टेट बना लिया था और वहाँ की सत्ता किशोर सिंह को सौंप दी थी। किशोर सिंह के बेटे का नाम गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह की नज़र जोरावर सिंह पर पड़ी। उन्होंने जोरावर को भीमगढ़ नाम के एक किले का गार्ड बना दिया। इस किले में एक रोज़ एक घटना हुई। भीमगढ़ किले के किलेदार ने जोरावर सिंह को एक संदेश देकर गुलाब सिंह के पास भेजा। जोरावर ने संदेश तो सुनाया ही, साथ ही किलेदार की पोल भी खोल दी। जोरावर ने बताया कि किले के प्रशासन में फालतू पैसा बर्बाद किया जाता है। इसके बाद उन्होंने गुलाब सिंह को किले का खर्चा चलाने के दूसरे उपाय सुझाए। इस बात से गुलाब सिंह इतना खुश हुए कि जोरावर को किले का कमांडर नियुक्त कर दिया गया और जल्द ही वो तमाम किलों में राशन आपूर्ति का काम देखने लगे। साल 1819 में जोरावर सिंह के कंधे पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आई। हुआ यूं कि उस साल सिख फौज ने अफगान फौज को भगाकर कश्मीर को अपने कब्जे में ले लिया। उसके कुछ साल बाद महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा इलाका गुलाब सिंह के सुपुर्द कर दिया। गुलाब सिंह राजा बन गए और उन्होंने अपने सबसे खास जोरावर सिंह को किश्तवाड़ सहित कई जागीरों का गवर्नर बना दिया। जोरावर को बाकायदा वजीर की उपाधि दी गई। वो डोगरा रियासत में राजा के बाद सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए। यहाँ से जोरावर सिंह की जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जब वो डोगरा फौज की कमान संभालते हैं और सीमा विस्तार के लिए एक के बाद एक अभियान की शुरुआत करते हैं। जोरावर सिंह को अपनी पहली बड़ी जीत मिली लद्दाख में। इस वक्त तक लद्दाख में बौद्धों का शासन था। यहाँ के राजा को ग्यालपो कहा जाता था और वो तिब्बत का टैक्स चुकाया करते थे। लद्दाख काफ़ी अहमियत रखता था क्योंकि तिब्बत से अफगानिस्तान तक जाने वाला व्यापार मार्ग लद्दाख से होकर जाता था। यहाँ मिलने वाली ऊनी शॉल की दुनिया भर में काफ़ी मांग थी। कश्मीर के राजा गुलाब सिंह लंबे वक्त से लद्दाख को डोगरा शासन के अधीन लाना चाहते थे। ये मौका उन्हें मिला साल 1834 में।
उस साल लद्दाख के एक स्थानीय गवर्नर ने ग्यालपो से बगावत कर दी। उसने गुलाब सिंह से मदद मांगी। गुलाब सिंह के लिए लद्दाख में पैर जमाने का अच्छा मौका था, इसलिए उन्होंने जोरावर सिंह की लीडरशिप में डोगरा फौज लद्दाख के लिए रवाना कर दी। 5,000 की फौज लेकर जोरावर सिंह भोट खोल दर्रा पार करते हुए पुरिक तक पहुंचे, पुरिक यानी कारगिल। यहाँ हुई एक लंबी लड़ाई के बाद डोगरा फौज ने जीत हासिल की। युद्ध के बाद हुई एक संधि के तहत ग्यालपो ने राजा गुलाब सिंह की अधीनता स्वीकार कर ली और इस तरह लद्दाख डोगरा शासन और सिख साम्राज्य के अधीन आ गया। हालांकि जोरावर जब लद्दाख में जीत का झंडा लहरा रहे थे, ठीक उसी समय कश्मीर में उनके खिलाफ एक षड्यंत्र की शुरुआत हो रही थी। कश्मीर के गवर्नर मियां सिंह की गुलाब सिंह के साथ रंजिश थी। जोरावर की जीत से हार खाकर उन्होंने लद्दाख में डोगरा शासन के खिलाफ विद्रोह भड़काना शुरू कर दिया। इसका नतीजा था कि अगले 5 साल में कारगिल से लेकर लेह तक गुलाब सिंह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। किलों पर कब्जा कर डोगरा फौज को मार डाला गया। इस बात से गुस्सा होकर जोरावर सिंह ने 3,000 डोगरा सैनिकों को इकट्ठा किया और लद्दाख पर एक बार फिर हमला कर दिया। इस बार उन्होंने लद्दाख को वसा स्टेट भी नहीं रहने दिया, उसे पूरी तरह जम्मू कश्मीर में विलय कराकर वहां के राजा को एक छोटे से गाँव का जागीरदार बनाकर वहां भेज दिया। लद्दाख जीतने के कारण जोरावर सिंह का पूरे सिख साम्राज्य में नाम हो चुका था। हालांकि वो यहीं पर नहीं रुके। 1840 में उन्होंने काराकोरम के पार बल्तिस्तान का रुख किया। यहां भी शाही परिवार में हुई बगावत ने जोरावर सिंह को मौका दिया। बल्तिस्तान के राजा अहमद शाह ने अपने एक बेटे को वारिस घोषित किया। इस चक्कर में उनका दूसरा बेटा नाराज हो गया। इस बेटे का नाम था मोहम्मद शाह। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करते हुए जोरावर सिंह से मदद मांगी। मोहम्मद शाह की रक्षा के बहाने जोरावर सिंह 8,000 डोगरा फौज को लेकर बल्तिस्तान में दाखिल हो गए। बल्तिस्तान में लड़ाई मुश्किल थी। निधान सिंह नाम के एक कमांडर 5,000 की फौज लेकर सबसे पहले आगे बढ़े, लेकिन उनकी फौज बर्फ और ठंड के बीच फंस गई। अहमद शाह की फौज ने उन्हें घेर कर मार डाला। कई ऐसे भी थे जो ठंड के कारण मारे गए। उधर जोरावर सिंह अपनी टुकड़ी के साथ 1 महीने तक नदी के मुहाने पर फंसे हुए थे। ठंड से हाल खराब था। ऐसे में मेहता बस्ती राम नाम के एक डोगरा अफसर ने नदी के पार जाने का रास्ता खोजा। ये बस्ती राम आगे जाकर कश्मीर की कहानियों में काफ़ी फेमस हुए। कहते हैं मेहता बस्ती राम की वजह से ही जोरावर सिंह बल्तिस्तान तक पहुँच पाए थे। जोरावर सिंह ने खुश होकर उन्हें 500 रुपये और सोने के कंगन का एक जोड़ा बतौर तोहफा दिया। आगे जाकर बस्ती राम लेह के गवर्नर भी बनाए गए। बहरहाल आगे कहानी यूँ है कि नदी पार कर जोरावर अपनी सेना सहित स्कर्दू के किले तक पहुँचे, जहाँ अहमद शाह ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। कई दिनों तक किले की घेराबंदी की गई, लेकिन फिर जब ठंड से फौज परेशान होने लगी, जोरावर ने किले के पीछे बनी दीवार चढ़ने का आदेश दिया। रातों रात दीवार पार कर सैनिक किले के ऊपर पहुंचे और वहां से फायरिंग कर राजा अहमद शाह को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह बल्तिस्तान भी डोगरा राजाओं के शासन के अधीन आ गया। जोरावर ने मोहम्मद शाह को बल्तिस्तान की गद्दी पर बिठाया। बदले में मोहम्मद शाह ने वादा किया कि वो हर साल 7,000 रुपये का टैक्स जमा करेंगे। लद्दाख और बल्तिस्तान के बाद जोरावर की नज़र तिब्बत पर पड़ी। महाराजा गुलाब सिंह अपने राज्य की सीमाओं को पूर्व की तरफ फैलाना चाहते थे। उन्होंने तिब्बत पर चढ़ाई का विचार महाराजा रणजीत सिंह के आगे रखा था, लेकिन रणजीत सिंह तैयार नहीं हुए। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद शेर सिंह महाराजा बने। उन्होंने गुलाब सिंह को तिब्बत पर आक्रमण की आज्ञा दे दी। मई 1841 में जोरावर सिंह 5,000 की सेना लेकर तिब्बत में दाखिल हुए। जोरावर सिंह ने एक के बाद एक पश्चिमी तिब्बत के इलाकों पर कब्जा किया। आखिर में वो ताकलाकोट पहुंचे। ताकलाकोट मानसरोवर झील से लगभग 90 किलोमीटर दूर पड़ता है। ताकलाकोट में एक किला था जिसे जीतकर जोरावर सिंह ने पूरे पश्चिमी तिब्बत पर कब्जा कर लिया। ताकलाकोट में ही एक और घटना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तिब्बत में खासी दिलचस्पी थी, इसलिए वो जोरावर सिंह के कैंपेन पर नज़र बनाए हुए था। सितंबर 1841 में अंग्रेज़ों को पता चला कि ताकलाकोट में नेपाल के महाराजा के भेजे कुछ दूत जोरावर सिंह से मिलने पहुंचे। ये खबर सुनकर अंग्रेज़ों के कान खड़े हो गए। कुछ ही दशक पहले अंग्रेज़ों ने नेपाल से कुमाऊं, जो कि आज के उत्तराखंड में है, इस इलाके को जीता। उन्हें डर था कि कहीं सिख और नेपाली आपस में गठजोड़ ना बिठा लें, इसलिए अंग्रेज़ों ने अपना एक अफसर राजा शेर सिंह के दरबार में भेजा और उनसे मांग की कि डोगरा फौज को तुरंत वापस बुला लिया जाए। शेर सिंह तैयार भी हो गए। उन्होंने जोरावर को वापसी का बुलावा भेजा। जोरावर की वापसी में एक दिक्कत थी। सर्दियों के महीने शुरू हो चुके थे और भयंकर बर्फबारी ने सारे दर्रों को सील कर दिया था। जोरावर सिंह ने कुछ दिन इंतजार करने की ठानी, लेकिन इसी बीच तिब्बत की एक फौज ने जोरावर के ठिकाने पर हमला कर दिया। जोरावर सिंह की फौज दुश्मन के साथ
साथ साथ ठंड से भी लड़ रही थी। उनके कई सैनिकों को फ्रॉस्ट बाइट ने पकड़ लिया था और कईयों के हाथ पांव की उंगलियां बेकार हो गई थी। इसके बावजूद जोरावर सिंह ने युद्ध किया। 12 दिसंबर 1841 की तारीख जोरावर अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे कि तभी एक गोली आकर उनके दाएं कंधे पर लगी। जोरावर ने लड़ना जारी रखा। मिगमार नाम के एक तिब्बती कमांडर ने उन्हें देखा और पहचान लिया। वो पहले भी जोरावर से लड़ चुका था। उसने जोरावर को देखते एक भाला उनकी ओर फेंका। भाला सीधा जोरावर के निशाने पर लगा और वो वहीं पर गिर गए। जोरावर सिंह की मृत्यु हो गई। हालांकि दस्तावेज बताते हैं कि जोरावर सिंह का पराक्रम देखकर दुश्मन ने भी उनको पूरा सम्मान दिया। तिब्बतियों ने ताकलाकोट में उनकी समाधि बनाई और उनके नाम पर एक स्मारक भी बनवाया। अपनी किताब कैलाश जूल ऑफ द स्नोज में राजेंद्र अरोड़ा कैलाश यात्रा का ब्यौरा देते हुए लिखते हैं, जोरावर सिंह की समाधि आज भी उसी जगह है जहां उनकी मौत हुई थी और 21वीं सदी में चीन के सैनिक तक उनका नाम जानते हैं। भारत में जोरावर सिंह के नाम पर एक लाइट टैंक बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इस टैंक की 2023 के अंत तक ट्रायल की योजना है। एक बार बन जाने के बाद इन टैंक्स को लद्दाख में चीन से सटी सीमा पर तैनात किए जाने की योजना है। आज की तारीख में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी कमल। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।